आया था। कल समझ में आया था सबको? दिक्कत नहीं हुआ था? लिखवा देते हैं आज। कल एक क्वेश्चन दिए थे ना, क्या था? भारत गणतंत्र दिवस मैंने गणतंत्र देश है कैसे है? हैं? बोलो, साहिर बोल रहा है, बोलो बोलो। देखिए सही बता रहे हैं, सीधा सीधी कहने का मतलब होता है गणतंत्र देश। देश में लगभग जो है ना दो लोग प्रमुख होते हैं लगभग देशों में। एक होता है राष्ट्राध्यक्ष और एक होता है शासनाध्यक्ष, ठीक ना? एक राष्ट्राध्यक्ष और एक शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है भारत में? कौन है? राष्ट्रपति। और शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक ना? राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, ये राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र के अध्यक्ष है, और ये शासन करने वाला शासनाध्यक्ष है। जब भी कुछ देश में गड़बड़ होता है भारत में, कभी राष्ट्रपति को गाली देता, आलोचना करता है? नहीं, क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक ना? लेकिन शासन कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। सारे कार्यभार इन्हीं के ऊपर रहता है, इसलिए इनको बोला जाता है शासनाध्यक्ष, ठीक ना? अब राष्ट्राध्यक्ष जैसे यहाँ पर प्रधान राष्ट्रपति है, सोन ज्यादा है क्या? कम करेंगे जी? ठीक है, कम कर दें, और थोड़ा आवाज अभी और बढ़ेगा मेरा, ठीक है ना? इतना चलिए। राष्ट्रपति जैसे यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष है, उसी तरह ब्रिटेन में जाइएगा तो वहां राजा और रानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, कहा जाता है उनके बारे में। अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, शासनाध्यक्ष भी है और राष्ट्राध्यक्ष भी है, ठीक ना? तो यहां पर जो है राष्ट्रपति, देखिए गणतंत्र 26 जनवरी 1950, ठीक ना? गणतंत्र देश बना। आनी इस दिन से देखिएगा, इस समय क्या हुआ, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक यहां पर हुआ। और इसी दिन जो होता है भारत का पहला राष्ट्रपति किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले यहां देखिए गणतंत्र देश क्या कहते हैं। गणतंत्र देश जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्राध्यक्ष कौन हो गए? राष्ट्रपति भारत में, उनका चुनाव प्रत्यक्ष डायरेक्ट अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुना जाता है। उसको, उस देश को क्या बोलते हैं? गणतंत्र देश। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने, जनता द्वारा चुना जाता है? नहीं। अरे अप्रत्यक्ष, हम तो दो कंडीशन बोले ना, डायरेक्ट जनता के द्वारा या इनडायरेक्ट जनता के द्वारा, ठीक ना? अब बोलिएगा इनडायरेक्ट कैसे हो गया? तो हम किनको चुनते हैं?
प्रधानमंत्री को, एमएलए और डायरेक्ट चुनते ना एमएलए और एमपी को, विधायक और संसद को जनता के द्वारा, और राष्ट्रपति को जो चुनता है, कौन लोग चुनता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, कौन शामिल होता है, कौन? संसद। सही बोल रहे हैं। देखिए यहां पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, निर्वाचित एमएलए और एमपी, याद रखिएगा यहां क्या लगाएं, निर्वाचित, ठीक ना? यानी जिसका निर्वाचन होता है, जिनका चुनाव किया जाता है जनता के द्वारा, किनका? एमएलए और एमपी, विधायक और सांसद, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, एमएलए और एमपी के द्वारा ही किनका चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति। हम किनको चुने? एमएलए और एमपी को। एमएलए एमपी किनको चुना? इनडायरेक्ट हुआ जनता के द्वारा, हम चुने एमएलए एमपी, एमएलए एमपी राष्ट्रपति को चुन लिया। तो भारत कैसा देश है? एक गणतंत्र देश है। अब देखिए संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस दिन सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा में कौन लोग थे, संविधान सभा के सदस्य, उनको कौन चुना था? जनता चुना था। कल बताए थे ना 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य हुआ था ना, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था, ठीक ना? टोटल सब चुन के कहां गया, संविधान सभा में। ये सारा जो होता है चुन के कहां चला गया, संविधान सभा में। संविधान का निर्माण किया, संविधान बन भी गया, तैयार भी हो गया, लेकिन लागू कब किया गया, लागू करने के 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को बैठक हुआ फिर से संविधान सभा का अंतिम बैठक। उसी समय सब सदस्य मिलकर, संविधान सभा का सभी सदस्य मिलकर, क्योंकि चुन के किया था उन लोग जनता के द्वारा, सारा सदस्य मिलकर किनको चुना, समय देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता किस समय कर लिया गया था, 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रपति का जब चुनाव कर लिया गया तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। याद रखिएगा क्या लागू हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950। इनसे भारत एक गणतंत्र, बोलते ना कि गणतंत्र से लागू हुआ था, इसलिए संविधान लागू हुआ था इसलिए नहीं, किनके हस्ताक्षर से, हस्ताक्षर से हुआ था। राष्ट्रपति किनके द्वारा, एमएलए जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जनता के द्वारा। इसलिए क्या हुआ, भारत एक गणतंत्र, समझ गए कैसे, इनडायरेक्ट। फिर से एक बार समझा देते हैं, सीधा सीधी गणतंत्र देश कहने का मतलब है वह देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष समझ गए ना, जो एक खाली राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, एक शासन करने वाला है। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा, प्रत्यक्ष, एमएलए एमपी नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, समझे बात के। जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता, यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम किसको चुन रहे हैं, एमएलए एमपी। और एमएलए एमपी किनको चुन रहा है, प्रतिनिधि बना भेजे, इन लोग मिलकर जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव किया, समझे बात के। इसीलिए जो होता है भारत एक गणतंत्र देश है। और उस दिन बोलते गणतंत्र, बस जनरली सब लोग बोल देता है कि उस दिन संविधान लागू हुआ था इसलिए भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र देश। वैसा नहीं है, वहां जो संविधान लागू हुआ किनके हस्ताक्षर से हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हुआ। चुनाव जनता के द्वारा किया गया अप्रत्यक्ष रूप से, सही, लेकिन जनता के द्वारा। इसलिए जो होता है भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र देश। कोई दिक्कत नहीं ना, अंतिम बैठक हुआ। देखिएगा राष्ट्रपति का जब कार्यकाल लिखाएंगे ना, प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र, उनका कार्यकाल मिलेगा 1950 से प्रारंभ होगा, क्योंकि वो चुना तो 24 जनवरी के गए लेकिन उनका कार्यकाल गिनाया गया 26, जब से संविधान लागू हुआ। लागू कौन किया, किनके हस्ताक्षर से, लेकिन जनता के लिए हुआ था, जनता के द्वारा संविधान निर्माण किया गया। वहां भी बोलिएगा सर जनता कहां निर्माण किया,
जनता को कौन चुन के भेजे? संविधान सभा के सदस्य। और संविधान सभा सब मिलकर क्या बनाया? संविधान। कल भी हम बोले थे संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने, ठीक ना। वहां पर बोल देता है कि भीमराव अम्बेडकर जनक है, वास्तुकार है। तो कल भी कंडीशन बताए थे कि वो पूरा प्ररूप तैयार किए थे, लेकिन संविधान में क्या लागू होगा, कैसे लागू होगा, पूरा संविधान सभा का योगदान होता है। उदाहरण बताए थे वर्ल्ड कप आया, नाम हुआ रोहित शर्मा का, लेकिन सभी खिलाड़ी का योगदान रहा कि नहीं? तो उसी तरह का जो होता है, संविधान सभा का गठन ही हुआ था संविधान निर्माण करने के लिए। तब कैसे एक व्यक्ति को बोल देंगे संविधान का निर्माण किया था? क्योंकि संविधान का निर्माण गठन हुआ था संविधान सभा का। कोई दिक्कत है? तो अब समझ गए क्यों होता है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन, देश किसको कहते हैं? सीधा सीधी क्वेश्चन आएगा कि जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, वह उस देश को गणतंत्र देश कहा जाता है। ब्रिटेन है गणतंत्र देश? नहीं है। कैसे नहीं है? वहां वो राजा और रानी होते हैं ना, वो वंशानुगत होते हैं, वहां पर चुना उनको नहीं जाता है, इसलिए ब्रिटेन एक गणतंत्र देश नहीं है। अमेरिका है? अमेरिका है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए अमेरिका गणतंत्र देश है। समझ गए भारत कैसे? कोई दिक्कत कहीं पर? कल बताए थे, केवल परिचय दिए थे पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी, उसके बारे में फिर बताएं संविधान सभा, उसी को ही लिखवाना है। तो लिखवाने से पहले थोड़ा सिलेबस लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? सिलेबस लिखवा देते हैं और उसके बाद ऐसे शुरू करेंगे। कल जो लोग नहीं आए थे उनको यदि लिखाते समय दिक्कत होगा तो पूछते जाइएगा। बस खाली बताए थे कि शासन कौन करता है, शासन किनके माध्यम से करता है, संविधान के माध्यम से। ये संविधान आया कहाँ से, कौन लिखा, कितना दिन लगा, कब ये पारित हो गया, वही ना बताए थे। इसमें किसी दिक्कत है? यहां पर आगे बताएंगे ये कि राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे ना कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो वहां पर लिखाएंगे निर्वाचित विधायक और निर्वाचित संसद, ठीक ना। क्योंकि आप उसमें बताते हैं, जैसे यहाँ पर पहले प्रावधान था 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया। एक एंग्लो इंडियन का नाम सुने होंगे, नाम सुने ना, तो 13 राज्यों में भारत का राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनीत करता था विधानसभा में, और लोकसभा में दो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, ठीक ना। और 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पर मनोनीत नहीं होता है, ठीक ना, केवल होता है निर्वाचित, क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत किया ना। हो सकता है क्योंकि राज्यपाल जो प्रतिनिधि होता है वो राष्ट्रपति का ही एक तरह से होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता राज्यपाल, तो राज्यपाल यहाँ विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत किया। राष्ट्रपति खुद लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मनोनीत किया ना। अब जो राष्ट्रपति है जो मनोनीत करके गया, मनोनीत किया है, वो पुनः यदि राष्ट्रपति खड़ा होता है तो वोट दूसरा के देगा कि उसी को देगा? उसी को देगा ना, तो पक्षपात हो जाएगा, ठीक ना, पारदर्शी वो नहीं रहेगा। इसलिए उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता राष्ट्रपति के वोट देने का अधिकार में, ठीक ना। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे, निर्वाचित। टोटल मत लीजिए क्योंकि दोनों ऑप्शन देगा, जब भी देगा ना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन शामिल होता है, माने राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वहां बोल देगा संसद के सभी सदस्य एवं विधानमंडल के सभी, विधानसभा के सभी सदस्य, ठीक ना। फिर बोलेगा संसद के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य। विधानमंडल मतलब कौन कौन आता है विधानमंडल, जानते हैं कोई है? विधानमंडल में जो होता है, एक से अभी बता देंगे, विधानमंडल में जो होता है ना उसमें आपको विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल आता है, 3 आता है। एक अभी चार्ट बताएंगे, पहले इसको लिखिए ना सिलेबस, उसके बाद
संविधान सभा कल इसे ही बताए थे ना, देशी राज्यों का एकीकरण, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन ऊपर करें, पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, ये देशी राज्यों का एकीकरण। पर जो है एवं एक प्रस्तावना कर दी, एवं प्रस्तावना, नागरिकता मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, विधायिका, छूट नहीं रहा है, विधायिका में संसद, संसदीय समितियां, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार,
लोकसभा अध्यक्ष ये गा संसदीय विशेषाधिकार कुछ अधिकार होते हैं। देखते नहीं संसद के कभी कार्रवाई देखे हैं? जूता चप्पल भी चला देते हैं सब कुछ, लेकिन उन लोग पर केस नहीं होता। आप किसी पर जूता चप्पल चला दीजिएगा ना तो तुरंत अंदर चल जाइएगा, क्योंकि उन लोग को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। विधानमंडल विधानमंडल स्थानीय निकाय इसमें चार स्थानीय निकाय। पंचायत चुनाव वगैरह होता है ना, नगरपालिका नगर निगम का भी चुनाव होता है, उसी को बोलते हैं स्थानीय निकाय। क्या चे? हाँ, पंचायत चुनाव में मुखिया वगैरह जो होता है ना, यहाँ दो बताएंगे, एक ग्रामीण और एक नगरीय। यहाँ दो इसको नहीं लिखना है, ठीक ना, हम बताएंगे उस समय। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद है।